हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ऑल थिंग्स फॉर यू, जिसमें हम आपके लिए के आते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये साल 2020 अभी तक हमारे लिए बहुत ही सरप्राइज भरा था, जो कि सरप्राइज कम ट्रेजेडी ज्यादा था, जिसमें हमने देखा अम्फान साइक्लोन, निसर्ग साइक्लोन, लोकस्ट अटैक, विशाखापट्टनम गैस लीक और सोलर इक्लिप्स। और दोस्तों, चाइना के दिए सरप्राइज से तो हम सब वाकिफ ही हैं। जहां कोविड-19 ने देश और दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया, वहीं दूसरी ओर इंडिया चाइना बॉर्डर पर हमारे शहीद जवानों का सुनकर देश में बहुत आक्रोश है। और ये सब चल ही रहा था कि अब हमें न्यू शॉक मिला चाइना के साइबर अटैक द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, चाइना अब इंडिया पर साइबर अटैक करने की तैयारी में है। सिक्योरिटी साइबर फर्म से मिली जानकारी के मुताबिक चाइना बीते 5-6 दिनों में इंडिया पर 50,000 से ज्यादा बार अटैक कर चुका है। तो क्या है साइबर अटैक और इससे हम कैसे बच सकते हैं, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ आगे तक। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज साइबर अटैक? साइबर क्रिमिनल और हैकर्स के द्वारा एक कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से किसी भी दूसरे नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स में साइबर वायरस जैसे रैंसमवेयर, फिशिंग, वॉनाग्रा एक्सेट्रा से अटैक करना साइबर अटैक होता है। आइए अब देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप हैं। मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर एंड डेनियल ऑफ सर्विस और ऐसे कई। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं इसके हम पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इससे आप बैंकरप्ट हो सकते हैं, आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है और इसे ठीक करने के लिए हैकर आपसे मोटी रकम मांग सकता है और इसके ना देने पर आपका डेटा चोरी हो सकता है। दोस्तों आप अब बात करते हैं टुडे सिनेरियो की। ये इतना डेंजर है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे बचने की सलाह दी। हमारे सबसे बड़े बैंक SBI ने भी अपने कस्टमर को इस अटैक से सावधान रहने की सलाह दी। देश की साइबर स्वच्छता केंद्र इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने भी इससे बचने की गाइडलाइन जारी की। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी टीम के मुताबिक ये अटैक सबसे ज़्यादा चेन्नई पे 42%, सेकेंड पटना में 38% और बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता में 35% अपना प्रभाव डाल चुका है। वही दोस्तों अब जानते हैं हमें क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। आपको किसी भी अनवांटेड वेबसाइट में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, इससे आपको खतरा हो सकता है। किसी भी APK फाइल को गूगल से डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके मोबाइल में मालवेयर फंक्शन इंस्टॉल हो जाएंगे और आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। इससे बचने के लिए ऐप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए। लॉकडाउन की वजह से अभी स्कूल बंद हैं, तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना प्रेफर कर रहे हैं और इसी बीच वो किसी वेबसाइट या लिंक में क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं और यही गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। किसी भी ऑफर वाली लिंक, जैसे आपने 20,000 रुपये जीत लिए हैं, ऐसी लिंक पर उनको ओपन नहीं करना है। क्रैक सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना है। साइबर अटैक का भारत पर खतरा होने की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या लोग विंडोज़ के पुराने और आउटडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं और देश में क्रैक सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इंडियन कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम ने सलाह दी है कि साइबर क्रिमिनल के पास 20 लाख लोगों की ईमेल आईडी है, जिसे वो सेंड करने की योजना बना रहे हैं। इसमें लिखा हो सकता है फ्री कोरोना टेस्ट इन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड अहमदाबाद, और ये ईमेल गवर्नमेंट के नाम वाली ईमेल आईडी ncov2019@gmail से हो सकता है। तो दोस्तों हम जानते हैं इससे कैसे बचें, व्हाट टू डू। सावधानी बरतें, किसी को भी अपना OTP, बैंक ATM शेयर नहीं कीजिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके फ़ोन में कौन सी चाइनीज़ ऐप है, तो प्ले स्टोर से रिमूव चाइना ऐप इंस्टॉल कीजिए और आप इससे चाइनीज़ ऐप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी आशंका बताई जा रही है कि चाइना ऐप से ही हमारा डेटा लीक हुआ है। साइबर स्वच्छता केंद्र द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराए गए हैं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और भाई जो कंप्यूटर यूज़ करने वाले लोग इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर डाउनलोड करें, इससे आप वायरस को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से जुड़े नंबर कीपैड वाले मोबाइल सेट में ही चलाएं, इससे आपके मोबाइल फ़ोन के हैक होने और डेटा चोरी होने का खतरा नहीं होता। अपने विंडोज़ को हमेशा अप टू डेट रखिए। कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई एक एंटीवायरस ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।